किसान दिवस पर दिल्ली कूच के प्लान से बढ़ा घमासान। दिल्ली के 3 बॉर्डर आज पूरी तरह बंद। सरकार से बातचीत के लिए किसानों ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। 28वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं आंदोलनकारी। किसान अपनी मांगों पर अड़े। सरकार ने किसानों से बातचीत जारी रखने की जताई इच्छा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले, समाधान तलाशने में सक्षम है सरकार। योगी सरकार आज मना रही है किसान सम्मान दिवस। लखनऊ में विधानसभा के बाहर पहुंचकर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। सीएम योगी ने किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील। किसानों को लेकर बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम। 25 दिसंबर को अवध के किसानों के साथ संवाद करेंगे पीएम मोदी। 18 जिलों के 377 स्थानों पर किसानों की चौपाल लगाई जाएगी। विवेकानंद की जयंती पर टीएमसी पूरे बंगाल में कई कार्यक्रम करेगी आयोजित। 12 जनवरी से सूबे के सभी ब्लॉक और तहसील में विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। मध्यम ग्राम में टायर जलाकर किया विरोध। शव के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारायणपुर थाने में किया प्रदर्शन। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू। 5 जनवरी तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। अगले 15 दिन तक रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दिल्ली सरकार ने दिलाया भरोसा। सत्येंद्र जैन बोले, नहीं है घबराने की जरूरत, तैयार है बचाव की रणनीति। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जारी है सर्दी का सितम। लगातार गोते लगा रहा है पारा। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज़।